एक गांव में अनामिका और शारदा सास बहू रहा करती थी। अनामिका के दो बच्चे थे, बानी और रवि। बेचारी अनामिका, उसके पति रमेश की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तभी से वो अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखने लगती है। सासू माँ शारदा अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे अनामिका, यहाँ जल्दी आना। कहिए सासू माँ। जल्दी से जाके मेरे दांतों को धोकर ले आओ। हर दिन मैं तुम्हें कहती हूँ ना, मेरे उठने से पहले इन्हें साफ करके रखना, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो, बस अपने बच्चों पे ही लगी रहती हो। मैं भी इस घर में हूँ, तुम्हें ये बात याद कहाँ रहती है? ये क्या सासू माँ, ऐसा क्यों कह रही है? हर दिन तो मैं आपके दांतों को धोकर रखती हूँ, आज आपने दांतों को दिया नहीं। मैं बस सोच ही रही थी आप मुझे कब बुलाए। तभी वाणी और रवि वहाँ आ जाते हैं। वो आके शारदा के दांतों को देते हैं। ये देख के शारदा का गुस्सा और बढ़ जाता है। ये खेलने की चीज है क्या तुम बेवकूफ लोग? मेरे सारे दांत टूट गए थे तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये प्लास्टिक का दांत दिया था, जिस वजह से मैं खा सकती हूँ। आइंदा इससे खेला तो बहुत पिटाई पड़ेगी। शारदा वाणी और रवि की बहुत पिटाई करती है और फिर उन्हें डांट झपट के वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोते रोते बच्चों को ले जाती है और उन्हें समझाती है और प्यार करती है। जो तुम लोगों ने किया है बहुत बड़ी गलती है, तुम लोग दादी माँ की चीजें ऐसे नहीं ले सकते हो। अब जाओ जाके इडली खाओ, मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है। ऐसा कहकर अनामिका जो इडलियाँ बनाई थी वो अपने बच्चों को खिलाने लगती है। तब तक वहाँ पे शारदा आ जाती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैं भी यहाँ पे हूँ, तुम मुझे भी बुला के खाने के लिए कह सकती थी। तुम्हें तो बस अपने बच्चों को ही खिलाना है, एक बार मुझसे पूछी भी नहीं कि मैं भूखी हूँ या नहीं। गुस्सा मत कीजिए सासू माँ, वो तो बच्चे हैं, वो नहीं कह पाते हैं वो भूखे हैं या नहीं। आप समझ सकती है, आपको भूख लगेगी तो आप तो खा ही लेंगी, पर वो नहीं कह सकते हैं ना सासू माँ, इसीलिए उन्हें खिला रही हूँ। बुरा मत मानिए, आइए बैठिए, मैं आपको भी देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना काम अपने कर सकती हूँ। तुम बच्चे को प्यार से खिलाओ, उन्हें बहुत प्यार से रखो, उनसे अच्छे से रहो। सासू माँ की ऐसी बातों को अनामिका परवाह नहीं करती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका जब अपने बच्चे को नहला रही थी तभी शारदा वहाँ आकर कहती है, आज तक कभी किसी दिन तुमने मुझे गर्म पानी से नहलाया क्या? मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हारे बच्चे होने से पहले तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, अब तुम बिल्कुल नहीं रखती हो। बहुत बड़ा पाप कर रही हो, पाप। अरे सासू माँ, मैं आपका बहुत अच्छे से तो ख्याल रखती हूँ, फिर आप ये सब सोच के अपने दिल को दिमाग को क्यों खराब कर रही हैं? भगवान के लिए ऐसी बुरी बातें मत सोचिए सासू माँ। आप मेरे बच्चों के साथ खुद की तुलना क्यों करती है हमेशा? उन्हें आने नहीं देती है, खेलने नहीं देती है, हमेशा उन पर चिल्लाते रहती है। यही रह गया था, अब तुम मेरे मुँह पे जवाब दे रही हो। आज तक तुमने कभी इस तरह से नहीं कहा, अब तुम इस तरह से बातें कर रही हो, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा कहकर शारदा रोने लगती है। तभी उनकी पड़ोसी पार्वती उनके घर आती है। पार्वती आके कहने लगती है, अनामिका, तुम्हारी सासू माँ आके मेरे पास अपना दर्द बता रही थी। यहाँ तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर तुम भी चलती हो तो रास्ते में चलते चलते बताऊंगी, तुम्हें बहुत बातें नहीं पता, सुनो मेरी बात, चलो मेरे साथ बाजार, चलो। बच्चे घर पे हैं, अभी मैं उन्हें कैसे छोड़कर जाऊं भाभी? कुछ देर के लिए उन्हें सासू माँ के पास छोड़ दो, रहने दो और देखो फिर क्या होता है। तुम ऐसा नहीं करती हो इसीलिए ही इतनी दिक्कत हो रही है, सोच के देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। बच्चों को सासू माँ के पास छोड़ के मेरे साथ आओ। इस तरह से पार्वती अनामिका से कहती है। अनामिका फिर अपने बच्चों को सासू माँ के पास छोड़ के पार्वती के साथ बाजार चली जाती है। रास्ते में पार्वती उसे कई सारी बातें कहती है। तुम्हारी सासू माँ मेरे पास आके बहुत रोई, वो कह रही थी तुम उनका ठीक से ख्याल नहीं रखती हो, सिर्फ बच्चों का ही रखती हो, और बहुत दुखी हो रही थी। मैं अपनी सासू माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, पर हमेशा वो यही कहती रहती है। पहले मैं उनका बच्चों से ज्यादा ख्याल रखती थी, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनका भी देखभाल तो करना ही होगा ना। तुम ऐसा कर रही हो इसीलिए तुम्हारी सासू माँ ऐसा बर्ताव कर रही है। लोग जब बुजुर्ग होते हैं तो वो बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, इसीलिए हमें भी उनके साथ बच्चों की तरह बर्ताव करना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ भाभी। वो बात नहीं है, तुम थोड़ा भी उनका देखभाल नहीं करती हो तो पूरा गुस्सा वो तुम्हारे बच्चों पे दिखाने लगती है, इसीलिए वो बच्चों का ख्याल नहीं रखती। हमें ये नहीं पता अभी वो बच्चों के साथ खेल रही है या उन्हें सिर्फ देख रही है,
मैं तो बस कह रही हूँ, अगर तुम अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हो तो अपनी सासू माँ को बच्चे की तरह रखो। ठीक है भाभी, आपने जब कहा मुझे अच्छे से समझ में आया। अभी पता नहीं बच्चे वहाँ कैसे हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। ऐसा कहकर अनामिका घर जाती है। जाने के दौरान वो देखती है कि घर के सामने सासू माँ दोनों बच्चों को अपने कांख में उठाकर उन्हें कुएं में फेंकने ले आ रही थी। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। अरे सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। अब से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, तुम बस अपने बच्चों का देखभाल करती हो, मेरा नहीं करती हो। अपनी सासू माँ में बदलाव देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। उसने सासू माँ का थोड़ा कम ख्याल रखा ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है अगर वो बच्चों को डांट झपट के बात करेगी तो सासू माँ खुश हो जाएगी। इन बच्चों के लिए ही मैंने आपका ठीक से देखभाल नहीं किया, इन बच्चों के लिए ही मुझे हर दिन परेशानी हुई, हमेशा ये मुझे परेशान करते रहते हैं। अच्छा रहेगा इन्हें ना देखभाल करके मैं आपका देखभाल करूँ, खुश रहूंगी। कल से मैं इनका देखभाल नहीं करूंगी, मैं आपकी ही सेवा करूंगी सासू माँ। बहू की ऐसी बातें सुनके शारदा बहुत खुश हो जाती है, फिर बाद में वो बच्चों को छोड़ देती है। अनामिका बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। अगले दिन सासू माँ की मानसिक परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से अनामिका उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। उन दवाइयों को लेकर सासू माँ के अंदर काफी बदलाव आता है। धीरे धीरे वो एक आम इंसान में बदल जाती है, फिर वो बच्चों का भी अच्छे से देखभाल करने लगती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। एक गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति रहते थे। उनके बेटे का नाम था रमेश। रमेश महिलाओं को नफरत करता था, बस उसे खाना पसंद था, इसीलिए उस गांव में सभी लोग उसे कद्दू रमेश कहकर बुलाया करते थे। प्रसाद और शारदा चाहते थे कि उनके बेटे की शादी हो जाए, पर रमेश शादी करने के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं था। तभी एक दिन उनके परिवार में शारदा आकर कहने लगती है, तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ बेटे की शादी कराने के लिए, मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। सारा दिन उसे बस भूखी लगती है। सोचा था जल्दी से एक लड़की का हाथ इसे थमा के मैं खुश हो जाऊंगी, पर ऐसी परिस्थिति है कि वो भी संभव नहीं। ऐसा मत कहो शारदा, तुम्हारे बेटे की शादी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस साल अगर हम शादी करा दें तो उम्र सही रहेगी, नहीं तो उम्र भी निकल जाएगी। कौन अकबड़ के आएगा इस बेवकूफ से शादी करने के लिए, ये भी तो मेरी किस्मत है। अब हम क्या करें, माँ बाप होके कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है वो गधा? पड़ोस के गांव में शादी हो रही है, शायद वहीं खाने गया है, पेट पूरा भरेगा तभी लौट आएगा। इधर शारदा और प्रसाद ऐसी बातें कर रहे थे, उधर रमेश खाने में व्यस्त था। रमेश के सामने एक बड़ा सा प्लेट रखा हुआ था, शादी के आधे से ज्यादा भोजन वही था। कुंभकर्ण की तरह वो खा रहा था। सभी लोग रमेश को घूर रहे थे, मानो कि जानवर दूसरे जानवर को आश्चर्य होके देख रहा हो, पर रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तक पेट ना भरे वो बस खाए जा रहा था। सांबर ले आना, सांबर के साथ साथ चार पापड़, दो पकौड़ी, तीन लड्डू, एक बाल्टी रसम और एक बाल्टी छाछ, और हाँ साथ में चावल लाना मत भूलना। वहाँ शादी का वातावरण बहुत ही अच्छा था, जो भी लोग वहाँ आ रहे थे वो शादी देख रहे थे। रमेश अच्छे से खाना खा लेता है, फिर वो घर चला जाता है। घर पे शारदा उसे देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है। माँ बहुत देर हो गई है, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। अरे बेवकूफ, अभी तो शादी से गला तक खाना भर के आए हो, पार्वती ने बताया, फिर घर आके किस मुंह से कह रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है। मुंह से बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारे तरह मेरा भी मुंह है जिस मुंह से मैं खाना खाता हूँ। हाय भगवान, इस लड़के की मैं क्या करूँ। ये जब पैदा लिया था तो डॉक्टर ने कहा था या तो कृष्णा बनेगा या तो कुंभकर्ण बनेगा। कल इसे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, देखते हैं उनके पास कोई उपाय है या नहीं। अगले दिन प्रसाद रमेश को साथ लेके शहर चला जाता है। वहाँ होटल के बाजू से पराठे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। रमेश के मुंह में पानी आने लगता है, वो बैठ जाता है पराठा खाने के लिए। वहाँ एक खूबसूरत लड़की पराठे बना रही थी।
उस लड़की को देख के पराठा खाने को मन नहीं किया उसे, बस उसे रमेश देखता ही रह गया। पहली बार था जब रमेश किसी लड़की को देखने की वजह से खा नहीं रहा था। ये देखकर प्रसाद आश्चर्य हो जाता है। पता चलता है उस लड़की का नाम अनामिका है। फिर प्रसाद अपने बेटे की शादी करा देता है उससे। घर आने के बाद अनामिका सबसे अच्छे से मिलती जुलती है। उसका पसंदीदा काम था खाना पकाना और पति का पसंदीदा काम था खाना। मानो कि वो दंपति एक दूसरे के लिए बने हो। पर शारदा को किसी बात की कमी खटकती है जिससे वो दुखी रहती है। अजय, आपको क्या लगता है ये लड़की मेरे बेटे को बदल पाएगी क्या? पर यहाँ लग रहा दोनों खाने के लिए बने हैं, कैसे बदलेंगे? इनकी वजह से तो रोज गैस ही खत्म हो जाता है, मानो सिलेंडर खरीदने में ही सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कहने से कैसे चलेगा, कुछ करो। रुको, मैं अनामिका से ही पूछती हूँ। अनामिका, अनामिका इधर आना जरा। बोलिए सासू माँ। हमारी घर की परिस्थिति ठीक नहीं, उसके लिए काम करना होगा, नहीं तो सारा जायदाद बेचना पड़ जाएगा। ऐसा भी दिन आ सकता है जब हमें खाने को भी कुछ ना मिले। माँ, हम कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं तो अच्छा खाना पकाती हूँ। हम व्यापार करेंगे तो अच्छे से घर भी चलेगा। तुम जो बनाओगी उसमें तो आधा तुम्हारा पति ही खा जाएगा, फिर हमें फायदा कहाँ से मिलेगा, बताओ तुम। मैं ध्यान रखूंगी उसका, वो ज्यादा नहीं खाएंगे। आप बस सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखो बेटा, सिलेंडर पे सिलेंडर महीने में लग रहे हैं, 25 से ज्यादा सिलेंडर लग चुके हैं। अब तो हमें इस तरह और भी सिलेंडर लगेंगे, सारे संपत्ति ना चले जाए, कुछ पैसे बचे ऐसा काम करो, समझी ना? ठीक है सासू माँ, मैं सब बचा लूंगी। अगले दिन शारदा घर आती है और सभी को खुशी खुशी बुलाती है। हमें बहुत बड़ा कैटरिंग डील मिला है अनामिका, कल हमें बहुत पकवान पकाने होंगे। 25,000 रुपए एडवांस में मिले हैं। अगर अच्छा काम होता है तो हर हफ्ते वो हमें कैटरिंग ऑर्डर देंगे। सच कह रही है सासू माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो मुझे एक बार मंदिर जाके माथा टेक के आना चाहिए। अनामिका मंदिर जाती है और भगवान के सामने से एक फूल लेकर अपने बालों में लगा लेती है। फिर घर लौट आती है और अपने काम में लग जाती है और अच्छे सुगंधित पकवान बनाने लग जाती है। रमेश को जो जो खाने को मन करता है वो सब खाता है। अनामिका मैदे से एक खास पकवान बनाती है जिसे खा के उसका पेट खराब हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति होती है कि उसका मुंह ही नहीं खुलता। रमेश को देखकर शारदा, प्रसाद और अनामिका हंसने लगते हैं। और ठीक उसी वक्त सिलेंडर खत्म हो जाता है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? अगर सही समय पे हम भोजन नहीं दे पाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब हम क्या करें। अरे सासू माँ, आप चिंता ना करें, भगवान है, वो जरूर कुछ करेंगे। ऐसा कहकर अनामिका ईश्वर को स्मरण करती है। तब तक अनामिका के सर से फूल जाके सिलेंडर के ऊपर गिरता है। अचानक से वो खत्म हो गया सिलेंडर फिर से चलना शुरू कर देता है। गैस खुद से निकलने लगती है और व्यंजन खुद से पकना शुरू कर देता है। शारदा, प्रसाद, अनामिका और रमेश उस मायावी सिलेंडर को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। रमेश का मुंह भी खुल जाता है क्योंकि वो सिलेंडर खुद ब खुद सब कुछ पकाने लगा। ये देखकर सभी आश्चर्य होते हैं। उस दिन से अनामिका और शारदा उस जादुई सिलेंडर की मदद से कई कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ रमेश उस जादुई सिलेंडर के सभी भोजन का आनंद लेता है और अपना और पेट भर के खाना खाता है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।